गुड मॉर्निंग एवरी वन. कॉन्टिन्यूइंग विद अवर लेक्चर, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्रेडिट क्रिएशन इन मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम. जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, सिंगल बैंकिंग सिस्टम और मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम. मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम का मतलब है कि जो आपका बैंकिंग सिस्टम है इकोनॉमी में, उसमें एक से ज़्यादा बैंक्स हैं. तो जो क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है वो थ्रू मल्टीपल बैंक्स हो रहा है. डिफरेंस सिंगल बैंकिंग में और मल्टीपल बैंकिंग में क्या है? सारा प्रोसेस वही है, सेम कुछ उसी तरीके से फॉलो होता है सब कुछ. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे जिस पर्सन को आप लोन दे रहे थे, वो पर्सन ने लोन लिया और उसने जब उसको आगे पेमेंट की थ्रू चेक किया और नेक्स्ट पर्सन के पास जब वो चेक गया तो उसने उस चेक को डिपॉजिट सेम बैंक में करवाया. यहाँ पे मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि वो जो डिपॉजिट करवा रहा है, वो पर्सन जिसको चेक मिला है, वो किसी भी बैंक में करवा सकता है. तो मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में नंबर ऑफ बैंक्स हैं, तो वो किसी भी बैंक में जो है उस चेक को डिपॉजिट करवा सकता है. तो इसीलिए हम जो बात कर रहे हैं दैट इज़ कि मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में जो क्रेडिट क्रिएट होता है वो डिफरेंट बैंक्स के एफर्ट से होगा, डिफरेंट बैंक्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से होगा. तो सबसे पहला जो हमारा है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर. हम सबसे पहली वही एजम्पशन नहीं बल्कि एक्चुअल प्रैक्टिकल में जो चीज़ होती है दैट इज़ कि इकोनॉमी में बहुत सारे बैंक हैं. एक पर्सन है, उसने डिपॉजिट करवाया बैंक ए के साथ 1000 रुपीज़ कैश में. अब बैंक को पता है अपने एक्सपीरियंस से कि सभी डिपॉजिटर एक ही टाइम में पैसा वहाँ से नहीं निकालेंगे. तो जो बैंक था, जो आपकी रेशो है वो 10% हम लेके चलते हैं. तो बैंक जो था उसने 1000 रुपीज़ का 10% अपने पास रखा कैश रिजर्व की फॉर्म में, मतलब 100 रुपीज़ उसने अपने पास रखा कैश रिजर्व की फॉर्म में, और बाकी 900 उसने एज अ लोन दे दिया मिस्टर एम को. अब इस मिस्टर एम ने इशू किया चेक 900 का दूसरे पर्सन को. जो दूसरा पर्सन था उसका अकाउंट है बैंक बी में. उस पर्सन ने वो जो चेक था वो डिपॉजिट करवाया 900 का चेक बैंक बी में. अब बैंक बी ने 10% रखा 900 का और 90 रुपीज़ रिजर्व में रख के उसने जो 810 रुपीज़ थे वो उसने बैंक जो था उसके अकाउंट में, जो बैंक सी में है, पर्सन के अकाउंट में डाल दिए. अब उस पर्सन के पास जो चेक आया उसने वो डिपॉजिट किया बैंक सी में. इस तरीके से जो प्राइमरी डिपॉजिट था बैंक सी का वो इंक्रीज हो गया 810 से. एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन टिल जो आपका सेकेंडरी डिपॉजिट है वो क्रिएट नहीं होता 9000 रुपीज़ का. और यहाँ पे जो बैंक्स हैं वो डिफरेंट हो गए ए बी सी. द नेक्स्ट है आपका बेसिस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मेनी बैंक्स. तो यहाँ पे प्राइमरी बैलेंस शीट बैंक ए की 1000 रुपीज़ डिपॉजिट उसके पास जमा हुआ, कैश रिजर्व भी 1000 रुपीज़ हुआ. फाइनल बैलेंस शीट बैंक ए की 1000 रुपीज़ उसके पास डिपॉजिट था, कैश रिजर्व 100 रख के 900 रुपीज़ उसने लोन में दे दिया. अब जो ये 900 रुपीज़ जो इस पर्सन को लोन में दिया था, उस पर्सन ने उसे आगे चेक की फॉर्म में किसी को पे कर दिया. अब उस पर्सन ने बैंक बी में वो चेक जमा करवाया तो बैंक बी का डिपॉजिट हो गया 900 और कैश रिजर्व भी पहले 900 है. अब बैंक बी ने भी लोन दिया नेक्स्ट पार्टी को तो उसने कैश रिजर्व रखा 90 का और लोन दिया 810 का. तो इस सो ऑन जो आपका प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा टिल जो आपका डिपॉजिट है वो टोटल जो डिपॉजिट है 10000 रुपीज़ नहीं हो जाता. तो ये था हमारा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इन मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशंस. बैंक्स जो हैं वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकते. कुछ लिमिटेशंस है क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी की कमर्शियल बैंक्स की. वो क्या क्या है? सबसे पहला है कैश रिजर्व रेशो. जो कैपेसिटी है बैंक्स की क्रेडिट क्रिएट करने की वो डिपेंड करती है कैश रिजर्व रेशो पे. कैश रिजर्व रेशो जो है वो डिसाइड करेगी कि जो क्रेडिट है वो कितना क्रिएट होगा. अगर कैश रिजर्व रेशो ज़्यादा है तो क्रेडिट कम क्रिएट होगा. अगर कैश रिजर्व रेशो कम है तो क्रेडिट
ज़्यादा क्रिएट होगा। सिंपल सा लॉजिक कि अगर कैश रिजर्व रेशियो आपने ज़्यादा कर दिया तो इट मीन्स बैंक को ज़्यादा अमाउंट अपने पास कैश की फॉर्म में रखना पड़ेगा और कम अमाउंट वो एज अ लोन की फॉर्म में एक्सटेंड कर पाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि रिवर्स रिलेशनशिप है, कैश रिजर्व रेशियो अगर ज़्यादा है तो कम क्रेडिट क्रिएट होगा, कैश रिजर्व रेशियो अगर कम है तो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट होगा। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर प्राइमरी डिपॉजिट ज़्यादा है तो क्रेडिट क्रिएट भी ज़्यादा होगा, प्राइमरी डिपॉजिट कम है तो क्रेडिट क्रिएट भी कम होगा। नेक्स्ट इज बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। जो पावर है बैंक की क्रेडिट क्रिएट करने की, वो बैंकिंग हैबिट्स जो हैं लोगों की उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर जो लोग हैं, जो कंट्री के पीपल हैं, अगर वो जो अपना बिजनेस है ज़्यादा चेक में करते हैं तो इसका मतलब कम कैश रिक्वायर्ड है तो आप ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर जो नॉर्मल लोग हैं इकोनॉमी में कंट्री की, वो कैश के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, अपनी जो डीलिंग्स हैं वो कैश में करते हैं, तो कैश के लिए डिमांड हाई होगी तो जो बैंक्स की कैपेसिटी है क्रिएट करने की वो कम होगी। देन नेक्स्ट इज योर क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। जो कमर्शियल बैंक्स की पावर है वो क्रेडिट पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक के ऊपर भी डिपेंड करेगी। अगर सेंट्रल बैंक परस्यू करता है चीप मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब वो क्रेडिट एक्सपेंशन पॉलिसी अगर वो अडॉप्ट कर रहा है, तो जो कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक की वो क्रेडिट क्रिएट करने की इंक्रीज होगी। अगर डियर मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो जो कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक्स की वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज क्रेडिट पॉलिसी ऑफ अदर बैंक्स। अब जैसे कि हमने मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में देखा कि जो क्रेडिट क्रिएट है वो डिफरेंट बैंक्स के, मल्टीपल बैंक्स के कोऑर्डिनेशन से क्रिएट होता है। तो अगर जो बैंक्स हैं वो यूनिसन, मतलब कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो ज़्यादा पावर होगी उनके पास क्रिएट करने की क्रेडिट। और अगर एक बैंक एक्सपैंड करता है लेकिन दूसरे बैंक उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं तो जो प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन का वो कंस्ट्रेंट होगा। नेक्स्ट इज लीकेजेस इन सर्कुलेशन। हमने कुछ एजम्पशंस ली थी जब हम क्रेडिट क्रिएट कर रहे थे, अगर वो एजम्पशंस फॉलो नहीं होगी तो आपका जो क्रेडिट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो लीकेजेस इन सर्कुलेशन कैसे आएगी कि सपोज हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे थे कि जो भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो वो चेक के थ्रू कर रहे हो, अगर प्राइमरी डिपॉजिट आपने 1000 रुपीज़ करवाया और 100 रुपीज़ रख के बैंक ने 900 रुपीज़ आपको आगे लोन की फॉर्म में दे दिया और आपने उसे आगे चेक की फॉर्म में दे दिया, अगर सपोज़ कोई पर्सन चेक की फॉर्म में ना लेके उस 900 रुपीज़ को इन कैश कर लेता है तो जो आपका क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ योर नेचर ऑफ सिक्योरिटीज़ और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड बॉरोअर्स। जो पावर है बैंक की क्रेडिट क्रिएट करने की वो नेचर ऑफ सिक्योरिटीज़ पे भी डिपेंड करती है। अगर बॉरोअर्स आपके ट्रस्टवर्थी हैं, गुड सिक्योरिटीज़ देते हैं अगेंस्ट दी लोन, तो आप ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर सकते हो। अगर सिक्योरिटीज़ रिस्की हैं तो बैंक का जो कैपेसिटी है क्रिएट करने का वो भी लेस होगा। नेक्स्ट इज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंडीशन। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन लिटल डिमांड होती है लोन्स के लिए बाय ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, तो जो लिटल क्रेडिट है वो क्रिएट हो पाता है। ड्यूरिंग बूम पीरियड बैंक्स लार्ज क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज डू बैंक्स रियली क्रिएट क्रेडिट। यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक कहता है कि क्रिएट करता है और दूसरा कहता है कि क्रिएट नहीं करता है। इकोनॉमिस्ट डिफर करते हैं कि वेदर क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय बैंक्स और द डिपॉजिटर्स। वॉल्टर लीफ और कैनन जो दो पर्सन्स हैं वो ये कहते हैं कि बैंक्स क्रिएट क्रेडिट अपने आप नहीं करता है, क्रेडिट क्रिएट डिपॉजिटर्स करते हैं जो मॉनेटरी रिसोर्सेज बैंक्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर डिपॉजिट्स। जो डिपॉजिट का पार्ट होता है उसी को आप एज अ लोन
दे रहे हैं और लोन से ही क्रेडिट क्रिएट हो रहा है। अगर डिपॉजिटर डिपॉजिट नहीं करवाएगा बैंक में फंड्स, तो आप क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसको उसने एक बैंक्स को एक कंपेयर किया उसने क्लॉक रूम से। उसने कहा कि सपोज 50% हैं जो एक पार्टी में आते हैं, सबके पास सिमिलर ओवर कोट हैं जो वो क्लॉक रूम में डिपॉजिट करवाते हैं, और पार्टी जो है वो 12 बजे तक चलनी है रात को। जो पियोन है क्लॉक रूम का वो 10 ओवरकोट अपने पास रखता है और बाकी 40 ओवरकोट वो आगे किराए पे दे देता है दूसरे पर्सन्स को 11:30 बजे तक के लिए। अब उसने जो 10 कोट अपने पास रखे, जो भी पर्सन 12 बजे से पहले पार्टी को लीव करना चाहता है वो उसको उन 10 में से कोट दे देगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो 40 ओवरकोट उसने किराए पे दिए तो उसने 40 ओवरकोट क्रिएट कर दिए? ये क्वेश्चन पूछते हैं वॉल्टर लीफ एंड कैनन। ये रॉन्ग है, ये वो कहते हैं ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट क्रिएट लोन दे के नहीं कर सकते, क्योंकि जो मनी है वो डिपॉजिटर्स की ही है और डिपॉजिटर्स उसे कभी भी निकाल सकते हैं। दैट्स वाई हम जब अब ऊपर एजम्पशंस पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे कह रहे थे कि जो भी आप अमाउंट दूसरे को पे कर रहे हैं, जो भी लोन अमाउंट आपको मिल रहा है, जो उसे आप आगे पे कर रहे हैं, वो चेक के थ्रू कर रहे हैं। और ये उसी चीज़ को, सेम चीज़ को हमने लिमिटेशंस में पढ़ा था, लीकेजेस वाले पॉइंट में, जहाँ पे हम कह रहे थे कि अगर पर्सन जो है उसने अपना डिपॉजिट पूरा निकलवा लिया, इन कैश करवा लिया उसने चेक को, तो उस केस में जो आपका क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, जो ओपिनियन है वॉल्टर लीफ और कैनन का वो जस्टिफाई नहीं होता है। वो ये कहते हैं कि जो बैंक्स हैं वो एडवांस करते हैं ज़्यादा लोन प्राइमरी डिपॉजिट से। तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं। हार्टली वेदर्स कहते हैं कि जो बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट करता है। लिप्सी एंड स्टेनर भी यही बिलीव करते हैं कि जो एक्सपेंशन है क्रेडिट का वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो डिपेंड करता है ऑन द डिसीजंस ऑफ द बैंकर। अगर जो बैंक्स हैं वो डिपॉजिट्स का यूज़ नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए तो क्रेडिट एक्सपैंड नहीं होगा। तो इसके साथ ये जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।